तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में सुशांत जी और राजेश जी हमारे साथ उन्होंने ज्वाइन किया है और इनके साथ हम बातचीत करने जा रहे हैं फॉर्मूलेज पे, एक्सेल की फॉर्मूले। एक्सेल की फॉर्मूले में हम बात करेंगे कि एक्सेल की फॉर्मूले क्या है, फंक्शन या फॉर्मूले। हालांकि इसको फंक्शन कहा जाता है एक्सेल की नॉलेज में, बट हम लोग आम बोलचाल की भाषा में इसको फॉर्मूलेज कहते हैं। क्या है फॉर्मूले? देखिए, दो सेल की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है। अब फॉर्मूला जरूरी नहीं है कि नंबर न्यूमेरिक भी हो, अलग अलग कैटेगरी के फॉर्मूले है, लुकअप है, लॉजिकल है, मैथमेटिकल है, डेटाबेस है, इंफॉर्मेशन है, ऐसे टाइप ऑफ द फॉर्मूले हम अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हम प्लस या इक्वल का यूज करते हैं। प्लस या इक्वल से फॉर्मूला शुरू करते हैं, प्लस से भी फॉर्मूला शुरू कर देते हैं, लेकिन इन शॉर्ट वो इक्वल ऑटोमेटिकली ले लेता है, इसलिए आप कोशिश करें कि इक्वल से ही शुरू करें। हालांकि फॉर्मूला माइनस से भी शुरू किया जा सकता है, पर रिजल्ट चेंज हो जाता है, माइनस में आ जाता है, इसलिए माइनस का यूज नहीं होता है। देखिए कैलकुलेशन फॉर्मूले में सबसे पहला वर्ड बात कर रहे हैं कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन दो तरह से किए जाते हैं। एक एक्सेल की इनबिल्ट फॉर्मूला, जैसे मुझे सम करना है तो हम सम फॉर्मूले को लगाएंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि सम हो गया। लेकिन इसी चीज को हम इक्वल प्रेस करेंगे, इस पे जाएंगे प्लस, इसको सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे B2 प्लस C2 रिजल्ट आ गया। अब दोनों में फर्क क्या है? देखिए, ये आपका एक्सेल की इनबिल्ड फॉर्मूला है, सम मैक्स काउंट इस तरह के, प्रोडक्ट स्क्वायर रूट, तो इनबिल्ड फॉर्मूले हैं जो कि लिमिटेड है, बट आपके पास आपकी खुद की कैलकुलेशन है जो कि आप करना चाहेंगे। जैसे अगर हमें यहां पे एग्जांपल 1 आपको बताया, अगर हम एग्जांपल 2 की बात करें तो एग्जांपल 2 में मेरे पास क्वार्टर 1 है एंड क्वार्टर 2 है। क्वार्टर 1 में हमारी 50 सेल है, क्वार्टर 2 में 60 सेल है, मुझे यहां पे ग्रोथ निकालना है। अब ग्रोथ के लिए एक्सेल में फॉर्मूला हो सकता है नहीं हो या हो, हम इस पे चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन क्या है कि हम अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को फॉलो करना चाहते हैं, क्योंकि एक्सेल की फॉर्मूले होंगे तो उनका अलग कैलकुलेशन होगा, लेकिन मेरी कैलकुलेशन कहती है कि ग्रोथ परसेंटेज निकालने के लिए कि लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट, ये आपका डेसिमल में आएगा और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 100 कर दीजिए, नहीं मैं माफ कीजिए मल्टीप्लाई हुआ होगा 100। ये एक्सेल का फॉर्मूला नहीं है, मैथमेटिकल फॉर्मूला है, लेकिन इस फॉर्मूले को हम यहां ट्रिगर करेंगे। हम क्या करेंगे कि यहां ब्रैकेट, देखिए जब भी कैलकुलेशन कीजिएगा ब्रैकेट का यूज जरूर कीजिएगा कि लेटेस्ट माइनस oldest divide by oldest, right? Enter press किया। अब इसमें अगला जो कहता है multiply by 100, तो Excel में percentage निकालने के लिए multiply by 100 करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप just click करेंगे percentage symbol पे automatic हो जाएगा। मतलब मैं एक बार अगर हम percentage पे वापस clear करें आपको कि मुझे अगर परसेंटेज निकालना है कि 500 का पेपर था और 480 किसी ने नंबर लाया तो कैसे परसेंटेज निकलेगा, तो इसको परसेंटेज के लिए क्या करना है, हमें सिंपल सा जो आया है उसको डिवाइड करिए, जिसमें से आया मार्क्स आया है उसको डिवाइड कीजिए जिसमें से आया है, ये आपके सामने 96% आ गया। अब इस पे हम परसेंट का सैंपल दे देंगे तो ये 96% आपको दिख जाएगा। ओके, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 अगर आप छान मल्टीप्लाई बाय 100 अगर मैं कर देता हूं इसको मान लीजिए तो क्या होगा, ये आपको 96 आ गया बट इन द नंबर, इस पे अगर परसेंटेज का सिंबल चाहिए होगा तो 96 100% हो जाएगा। सो एक्सेल में हम परसेंटेज में
निकालते समय और कैलकुलेट करते समय, दोनों समय समय हम परसेंटेज का यूज नहीं करते। जैसे मान लीजिए कि अगर 600 का 35% कितना होगा, अगर 35% में है तो हम क्या करेंगे, जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो बैक टू पॉइंट, तो हमने यहां ग्रोथ परसेंटेज निकाल दिया। अब अगर हम एक तीसरा एग्जांपल की जिक्र करें, तो तीसरा एग्जांपल में हमारा ए है कि यहां पे डेटा है मेरे पास, और इस डेटा में हमारे पास प्रिंसिपल है, मेरे पास रेट है, मेरे पास टाइम है। प्रिंसिपल 550,000 है, रेट हमारा 10% है, और टाइम हमारा 3 साल है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस पे निकालना है, मुझे इस पे निकालना है अमाउंट। तो एक्सेल में अमाउंट के लिए जो फॉर्मूला है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। एक्सेल नहीं, माफ कीजिएगा, इसमें मैथमेटिक्स में। तो मैथमेटिक्स में जो है वो है अमाउंट इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर डिवाइड बाय एन एंड पावर ऑफ टी मल्टीप्लाई बाय एन, राइट। ये हमारा मैथमेटिकल फॉर्मूला। हम बात कर रहे थे, मैं थोड़ा देर पहले आपसे माफी मांगा था कि मैंने गलत बोल गया। एक्सेल के अंदर भी अमाउंट निकालने का फॉर्मूला है, उसको बोलते एफवी, फ्यूचर वैल्यू। लेकिन मैं इसकी कैलकुलेशन से वाकिफ नहीं हूं कि इसके अंदर किस तरह की कैलकुलेशन यूज की गई है, सो हम इस पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, इसलिए हम इसी कैलकुलेशन को यूज करेंगे। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि इतना लंबा कैलकुलेशन को हम करेंगे कैसे, इसको हम ब्रेक करेंगे, तोड़ तोड़ के करेंगे। कैसे तोड़ तोड़ के करेंगे, जैसे सबसे पहले हमने बोला R डिवाइड बाई N, N क्या है, नंबर ऑफ पेमेंट की आपकी कैलकुलेशन मंथली है या ईयरली है। तो हमारा मंथली कैलकुलेशन है, इसलिए हमने 12 कर दिया और एंटर। अब क्वार्टरली है तो हम 4 करेंगे, हाफ ईयरली है तो 2 करेंगे, अगर डेली है तो 365 करेंगे। उसके बाद इक्वल 1 प्लस इसको सिलेक्ट कर लिया, तो 1 प्लस D12 सिलेक्ट करने से क्या हुआ, 1 प्लस D12, तो हमारा ये जो कैलकुलेशन है ये पूरा कैलकुलेशन कवर हो गया इसमें। उसके बाद T मल्टीप्लाई बाई N, तो हमने टाइम को मल्टीप्लाई किया 12 से, एंटर प्रेस किया तो देखिए 36 आपके सामने आ गया। ओके, अब दोनों को, इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को मुझे कंबाइन करना है। तो यहां हम क्या करेंगे, सिंपल सा इसको पावर ऑफ करना है, क्योंकि ये दोनों जो है पावर है, तो पावर का सिंबल ए होता है हमारे एक्सेल। पावर करने के बाद रिजल्ट आया, एंड आफ्टर दैट हम इसको प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रिजल्ट आपके सामने। अब यहां पे एक चीज जानने वाली है कि एक्सेल के अंदर में जो मैथमेटिकल सिंबल है वो है माइनस प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड पावर। ये जो पावर का सिंबल है ये शिफ्ट के साथ जो 6 मतलब परसेंटेज और एट द रेट के बीच, एंड परसेंट के बीच जो होता है उससे आपका ये चीज होता है, ये हमारा मैथमेटिकल सिंबल है। इसी का यूज करके हम कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आया कि हमने इतनी बड़ी फॉर्मूला को ट्रिगर तो कर दिया, कैलकुलेट तो कर दिया, बट प्रॉब्लम ये है कि कई सारे सेल में आया। अब मुझे इसको एक सेल के अंदर कंबाइन करता है, एक सेल के अंदर कंबाइन करने के लिए हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ सिर्फ जस्ट पेस्ट करेंगे। तो हम जस्ट पेस्ट करते जा रहे हैं, हम क्या पेस्ट कर रहे हैं, देखिए ये जो है हमारा D12 किससे कनेक्टेड है, एक कनेक्टेड है हमारा D12 के अंदर, D12 का फॉर्मूला है। तो D12 के अंदर फॉर्मूला को हमने कॉपी किया बट इक्वल को कॉपी नहीं किया, और एंटर प्रेस मत कीजिएगा, एस्केप प्रेस कीजिएगा।
एस्केप प्रेस करते ही आप वापस हट जाएंगे, फिर D12 को डिलीट कीजिए और D12 के जगह पे D12 का फॉर्मूला पेस्ट कर दीजिए। सिंपल, हमने D12 के जगह पे D12 का फॉर्मूला पेस्ट कर दिया। अब वापस हम D12 को डिलीट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह से हमने यहां E12 को लिया, E12 के डेटा को हम कॉपी करें और यहां E12 के जगह पे ब्रैकेट के अंदर में हम उस डेटा को पेस्ट कर देते हैं। हम E12 को अब डिलीट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन F12 को हम यहां पे करते हैं और F12 को कॉपी करते हैं, F12 जहां है उसको डिलीट कर ब्रैकेट के अंदर में हम F12 का डेटा पेस्ट कर देते हैं। अब F12 को कॉपी डिलीट कर सकते हैं, अब वापस हम G12 को डेटा को कॉपी करते हैं फॉर्मूले को और जहां G12 है उसके जगह पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं और फिर मैं इसको इजिली डिलीट कर सकता हूं और यहां हम इसको जस्ट एंटर प्रेस कर दीजिए जहां आपको चाहिए। तो देखा है कि एक लंबी कैलकुलेशन को हमने इजिली कर दिया और जो ये कॉपी पेस्ट किया इसको हम लोग फॉर्मूला वर्जन मेथड कहते हैं। और ये मेथड मेरा क्रिएट किया हुआ है, मैंने 2008 में इसको क्रिएट किया था। सर रिकॉर्डिंग का परमिशन दे दीजिएगा। जी हाँ जरूर। अब अगर अभी अब कुछ लोग जो है हमारी वीडियोस को यूट्यूब पे भी देखते हैं, कुछ लोग मेरे मोबाइल ऐप पे भी देखते हैं, तो क्या होता है सुशांत जी कि वो लोग कमेंट करते हैं कि सर ये तो सिंपल है तो हम कर लेंगे, लेकिन जो चौथा एग्जांपल है वो श्योर कि आप लोग उसको बिना फॉर्मूला मर्जिंग मेथड के नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक फैक्ट्री का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ है जिसका कॉस्ट 50 रुपीज है और इसकी MRP हमें निकालनी है। MRP, अब MRP हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए हम आप बताते हैं। MRP कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा हम कैलकुलेशन करते हैं कि जो मैन्युफैक्चरर है वो अपने कॉस्ट का 5% निकालता है और डिस्ट्रीब्यूटर को बेच देता है। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, अपने खरीद पे एक मिनट, हमने एक 52 रुपए 50 पैसे पे इसको बेच दिया डिस्ट्रीब्यूटर को। तो डिस्ट्रीब्यूटर का खरीद कितना बड़ा, 52 रुपए 50 पैसे। अब डिस्ट्रीब्यूटर अपने खरीद पे 10% का मार्जिन रखता है और किसको बेचता है, होलसेलर। अब होलसेलर क्या करता है, अपने खरीद पे 15% का मार्जिन रखता है और इसको प्लस करके दे देता है इसको रिटेलर को। रिटेलर क्या करता है, अपने खरीद का 15% का मार्जिन रखता है और ऐड करके किस 15% नहीं माफ कीजिएगा 20% है, 20% का मार्जिन रखता है और दे देता है कंज्यूमर को। सो 50 रुपए की कॉस्ट वाली चीज को मार्केट में 79 रुपए का है। अब ये एक्चुअल नहीं है, ऐसा नहीं कि एक्चुअल में गिर रहा हूं, मार्केट में ऐसा ही होता है, ये बस एक प्रोजेक्ट कर रहा हूं फॉर्मूला मर्जिंग मेथड का। अब 79.695 आया है, इसको अब यहाँ पे पेस्ट यहाँ पे टाइप करना है, तो कैसे करें, तो उसके लिए हम फॉर्मूला मर्जिंग मेथड का इस्तेमाल करें। तो इसमें हम B15 तो फिक्स है, C13 के जगह पे C17 के जगह पे C17 का फॉर्मूला पेस्ट कर दूं। अब मैं C17 को डिलीट कर सकता हूं। अब डिलीट कर कीजिएगा तो एक बार देख लीजिएगा कि आपका जो ओरिजिनल डेटा है, मतलब कि जो आपका रिजल्ट है वो चेंज ना, अगर चेंज हुआ तो Ctrl+Z कीजिए और फिर इसको सही से कॉपी पेस्ट करें। मैंने इसको सिलेक्ट किया डबल क्लिक करके, देन कॉपी, एस्केप मार के बाहर आया और ये है आपका C18। अब C18 यहाँ है तो C18 को ब्रैकेट के अंदर हमने पेस्ट कर दिया और यहाँ भी हमारा C18 है तो यहाँ भी ब्रैकेट में हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। अब C18 के बाद यहाँ जो आया आपका, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ D17 के जगह पे हम उसको पेस्ट कर देते हैं। अब इसको डिलीट कर सकते हैं।
वापस हम इसको कॉपी करते हैं, यहां D18 के जगह पे D18 का फॉर्मूला पेस्ट कर देते हैं, और यहां भी हमारा D18 है, इसके जगह पे D18 का फॉर्मूला हमने पेस्ट कर दिया, देन D18 को हमने डिलीट किया। वापस हम इसको कॉपी करते हैं और यहां E17 के जगह पे E17 का फॉर्मूला हम पेस्ट करते हैं और E17 को हम इजीली डिलीट कर सकते हैं। फिर वापस इसको हम कॉपी करते हैं और कहां जाते हैं, F पे, F18 के जगह पे हम F18 का फॉर्मूला पेस्ट करते हैं और F18 का यहां भी है, तो यहां भी हम इसकी फॉर्मूला को पेस्ट करते हैं, उसके बाद इजीली इसको डिलीट करेंगे। फिर ऊपर जाते हैं, हम इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और नीचे जहां हमारा F17 है उसके जगह पे F17 का फॉर्मूला पेस्ट करते हैं एंड F17 को डिलीट करते हैं, इसको कट करके यहां पे एंटर प्रेस कर देते हैं। अब आप देखेंगे कि इतना लंबा फॉर्मूला आपकी बस की चीज तो नहीं है एक बार लगाना, आपकी क्या मेरी बस की चीज नहीं कि मैं इसको बिना गलती किए हुए एक बार में लगा दूं, और हो सकता है कि कई सारी गलतियों करने के बाद भी मैं इसको वन टाइम में डायरेक्ट ना लिख सकूं, लेकिन मेरा जो मेथड है कि मैंने फॉर्मूला को पहले ब्रेक करके तोड़ दिया देन उसको कंबाइन किया, तो ये आपको इजीली लग गया। सुजान जी, राजेश जी, कोई डाउट इसमें? हेलो, सही है सर, बराबर है, ब्रेक करके किया तो अच्छा है। ये हमारी प्रैक्टिस शीट हमने आपको दे दी है, प्रैक्टिस शीट अपना आपको मैं भेज दूंगा, आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर दीजिएगा। ओके सर, आधा मिनट लूंगा थोड़ा सा। पूछिए। जो इफ कंडीशन में जैसे सपोज दैट दिया है ना, ग्रेटर देन, अभी आ रहे हैं तो हम बात कर लेंगे, इसमें कोई डाउट है आपको सर? नहीं नहीं सर, नहीं। हाँ तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आपके क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे इफ कंडीशन, बस कुछ देर बाद। ठीक है सर।